गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपके सामने राकेश कुमार इंग्लिश टीचर वेलकम करता हूं आपका स्काईलाइट एकेडमी में। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब इसकी एडवांटेज क्या है, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगी। और इतना ही जरूरी यह है कि आप इस जो वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करना ना भूलें, बाकियों को भी बताएं कि हम पढ़ा रहे हैं। तो जरूरी बात, क्योंकि आपको पता है कि टेट का एग्जाम हो गया है, अब दौर चलेगा पेड कोर्सेज का, तो उसके लिए जरूरी है कि अगर डेमो देखने के बाद आपको हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करने हैं तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका नाम है स्काईलाइट एकेडमी अबोवर। इसको डाउनलोड करने के लिए जाए गूगल प्ले स्टोर से। अब बात कर लेते हैं भाई फ्री कंटेंट की। फ्री कंटेंट जो भी हम करवाते हैं, पढ़ाते हैं, वो फ्रीली नोट्स जो है वो प्रोवाइड भी करवाए जाते हैं। तो चैनल पे जाएं, इसका नाम है @SkylightAcademy टेलीग्राम पे। और जरूरी बात कि पेड कोर्सेज आज से ही शुरू हो गए हैं। आपको पता है कि टेट एग्जाम होने के बाद ये जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, नई जॉब आ सकती है, तो सीरियस बच्चे होते हैं वो अभी से एडमिशन लेना शुरू करते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन खास तौर पे दी जाती है कि पेड कोर्सेज शुरू है, और ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन के नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर आप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स जो थे वो कर लिए थे। अब मैंने कहा था कि फेरी क्वीन की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस वर्क, एग्जाम में यहां से आते हैं। तो उसी बीच हमने जाना है कि इसके करेक्टर, और करेक्टर कौन सा करेक्टर कौन से वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, यह बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए इसकी समरी जानना बहुत जरूरी है। तो इसकी बुक्स कितनी है, मैंने कहा था कि 12 बुक्स प्लान थी, लेकिन कंप्लीट हुई 6.5, क्योंकि वो एक मैंने आपको ट्रेजेडी बताई थी कि कैसे स्पेंसर के घर को आग लगा दी गई, और कुछ बुक्स कहते हैं कि दे आर बर्न्ड इन दैट फायर, उस आग में जल गई। तो 7 बुक है, सातवीं जो बुक है वो हाफ है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वर्च्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो बुक 1 देखें, हमने वैसे स्टोरी डिस्कस की थी, लेकिन फिर भी इसका वर्च्यू कौन सा है ये बड़ा जरूरी है जानना। तो इसका जो हीरो है वो रेड क्रॉस है। अब वर्च्यू कोई भी हो, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि ले देके इनकी लव स्टोरी ही निकलेगी बाद में, ज्यादातर बुक्स में अफेयर ही चलते होंगे। रेड क्रॉस रिप्रेजेंट करता है होलीनेस को, इसको नहीं भूलना है, कुछ भी भूल जाना स्टोरी में से, लेकिन इसको नहीं भूलना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में आती है ये। रिप्रेजेंट करता है होलीनेस को। अब रेड क्रॉस हीरो है, हीरोइन कौन है, ऊना। अब यह है एक जर्नी पे किसी खास मकसद के लिए, लेकिन आप कह सकते हो कि रेड क्रॉस जो है वो बहुत असल में हीरो इतना है नहीं, वो कानों का है कच्चा। इनको एक विजर्ड मिलता है, विजर्ड इज द काइंड ऑफ हु इज अ मैजिशियन हु यूज हिज मैजिशियन फॉर रॉन्ग डूइंग, अपने गलत कामों के लिए जो मैजिक यूज करता है वो इसे कहते हैं विजर्ड। अब इस विजर्ड का नाम जानो, आर्किमागो। आर्किमागो क्या करता है, ही कॉज और क्रिएट सम काइंड ऑफ ड्रीम इन द माइंड ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस के माइंड में एक ड्रीम क्रिएट करता है, जिससे यह पता चलता है कि जो ऊना है वो अनचेस्ट है। अनचेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसको लगता है कि ऊना जो है उसको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, लेकिन यह सच है नहीं। यहां पर आके जो रेड क्रॉस हीरो है वो थोड़ा कच्चा हो जाता है। रेड क्रॉस इस सोच में पड़ता है कि ऊना शी इज नॉट द रियल बिलव्ड, इसको छोड़ देता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग होती है डुइसा की। डुइसा चाहती है कि रेड क्रॉस जो है वो उसके साथ आए, उसका कपल बने, उसका हस्बैंड बने, उसका लवर बने। इसके लिए ये सारी ट्रिक्स रची थी इसने। अब ये इंट्रैप करती है रेड क्रॉस को और उसको कहां एक तरह से एबडक्ट करवा देती है। एक होता है जाइंट, जाइंट आप कह सकते हो कि आम भाषा में राक्षस जिसे कहते हैं, ड्रैगन वगैरह, और गोजलियो, वापिस को पकड़ लिया जाता है। अब फिर से देखो, कहते हैं कि जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। अब इसको बचाता कौन है, ऊना, जो मिलती है आर्थर से। ऊना आर्थर की हेल्प से रेड क्रॉस को बचाती है। यहां पे जो स्टोरी का प्लॉट है ना वो रिवर्स है, हीरो हीरोइन को नहीं बचाता, हीरोइन हीरो को बचाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल मैंने आपको कहा था, ये आपको पता करके आना है कि असल में स्टोरी का हीरो कौन है। तो हीरो है आर्थर। ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, ये यहां पे भी आ सकता है, बहुत चांसेस हैं कि असल में पूरी फेरी क्वीन का हु इज द हीरो ऑफ द एपिक फेरी क्वीन, हीरो आर्थर है, ना कि रेड क्रॉस। यहां पे कई वॉरियर्स के नाम आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है द रियल हीरो इज आर्थर। तो ये बचाते हैं रेड क्रॉस को। बाद में
रेड क्रॉस को अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो ऊना को उसके पेरेंट्स को वापस लौटा देता है और फिर उसके पेरेंट्स को भी सेव करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये नहीं बोलना कि रेड क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है होलीनेस के वर्च्यू को। होलीनेस होती है सीधी भाषा में जो धर्म पे चलते हैं, जो गलती नहीं करते, गलत रास्ते को नहीं अपनाते। अब आ जाओ बुक टू पे, ये है बुक वन की समरी। बुक टू में मतलब एक नया वॉरियर होगा और वो एक नई चीज को, नए वर्च्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें कोई वॉरियर कौन है पहले ये जानो, ये है सर ग्योन, रिप्रेजेंट करता है टेम्परेंस को। अब टेम्परेंस जान लो एक तरह का एटीट्यूड, और एटीट्यूड में एक सिंपल वर्ड है आम भाषा में समझने के लिए संयम। कहते हैं ना कि जिसको उकसा नहीं सकते, समझदार लोग कभी उकसाने से उकसाए नहीं जाते। आप उनको गालियां दे दो है ना, वो जवाब देते हैं जब राइट टाइम आता है। और एक होते हैं जैसे मान लो कि छोटी एज में हमें मान लो इमेच्योर, किसी ने एक बात बोल दी तो आगे से चार बोलेंगे, ये आदत नहीं है। अगर कोई बहुत सोच समझ की बात करता है, संयम रखता है, तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेंस। और इसको रिप्रेजेंट कौन करता है, सर ग्योन। अब सर ग्योन की स्टोरी जान लो, सर ग्योन वो भी एक तरह की जर्नी पे है। अब उसको मिलती है एक लेडी, लेडी क्या कहती है कि वो लगभग रो रही होती है, वो कहती है कि माय हस्बैंड हैज बीन किल्ड एंड माय चिल्ड्रन आर एबडक्टेड बाय अ जायंट, एक तरह के किसी जादूगर ने मेरे हस्बैंड को मार डाला और मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया, और मैं भी असल में आई वांट टू कमिट सुसाइड, मैं भी मरना चाहती हूं। तब ये ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि क्यों ना इसका भला कर दिया जाए। सर ग्योन कहते हैं कि तुम्हें मरना नहीं है, असल में तुम्हारी हेल्प मैं करूंगा। तो मिशन के तौर पर सर ग्योन चलते हैं इस लेडी को बचाने, इसके बच्चों को बचाने। अब असल में वो है कौन, असल में जिसने किडनैप किया वो है कौन, वो एक आम भाषा में फिर से इन कॉमन पार्लेंस यू कैन से कि वो एक चुड़ैल है, एक तरह की जादूगरनी। विच, विच आपको पता है चुड़ैल को कहते हैं, और वो है अक्रेसिया। अक्रेसिया ने इसका काम यही है, इसके हस्बैंड को मार डाला, बच्चों को किडनैप किया। इसका एक्चुअली सी अनफॉर्चुनेटली बम्प्स इनटू सर ग्योन, इसका जब भिड़त होती है ना सर ग्योन से, तब बनती है स्टोरी हीरो और विलन वाली। ग्योन क्या करते हैं, इससे बदला लेते हैं, इस लेडी को हराते हैं और इसके बच्चों, जो जो लेडी सुसाइड कमिट करना चाहती थी उसके बच्चों को बचाते हैं, और हराते किसको हैं, एक्रेसिया को। और फिर मुलाकात होती है आर्थर की। देखो इसमें कई वॉरियर्स हैं, बार बार आएंगी इनकी स्टोरी, बार बार आएंगी, लेकिन ये जो प्लॉट है ये मेन स्ट्रीम प्लॉट है। छोटी छोटी स्टोरीज बहुत हैं, छोटे छोटे वॉरियर्स बहुत हैं, लेकिन हमने करने हैं इंपॉर्टेंट। अब आगे क्या होता है, जब ये जाते हैं अक्रेसिया के आइलैंड पे, अक्रेसिया को हराने के बाद उसका एक आइलैंड होता है, पूरा किंगडम होता है जिसको बोलते हैं बॉवर ऑफ ब्लिस, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब जिस राजा का किंगडम नहीं बचा तो वो राजा ही नहीं बचा, वो एक कमजोर हो गया है। तो यही हाल अक्रेसिया का हुआ, अक्रेसिया को कैप्चर कर लेते हैं, बांध लेते हैं एक नेट में और उसको हरा देते हैं, उसका घर जला देते हैं और रेस्क्यू करते हैं इम्प्रिजन, वहां पे जितने भी लोग बंधे होते हैं, हु हैज बीन कैप्चर्ड और एबडक्टेड बाय अक्रेसिया, वो सबको बचाते हैं। तो ये होगी बुक टू। आपको भी गुड आफ्टरनून जी, नवरीत जी आपको भी गुड आफ्टरनून। तो बुक थ्री में देखो, बुक थ्री की स्टोरी, स्टोरी सभी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे आई एम सेइंग अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विच ऑफ द राइटर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग विच वर्च्यू, कौन से वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब कॉन्सेप्ट आता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, चेस्टिटी। अब ये चेस्टिटी नाम हमने पहले सुना है व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट ऊना, ऊना के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो कैसे उसको एल्यूजन होता है रेड क्रॉस को कि ऊना इज नो लॉन्गर चेस्ट। अब ये चेस्टिटी क्या है इसको जान लो। अब ये कॉन्सेप्ट सही बताऊं तो खास करके मॉडर्न टाइम के, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ईरा, ये बहुत ही भद्दा एक कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि पहले तो चेस्टिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगी कौन, औरत, एक लेडी ही पूरी करेगी। अब उसमें होता क्या है कि अगर एक लेडी सीज इन अफेयर विद समवन विद अ बॉय और मैन, तो कहते हैं कि अगर वो फिजिकल रिलेशन में रही है, सेक्सुअल रिलेशन में रही है, तो वो चेस्ट नहीं है। अगर वो वर्जन नहीं है तो वो चेस्ट नहीं है। अब इस चेस्टिटी को रिप्रेजेंट कौन करता है, यहां पे एक लेडी है ब्रिटोमार्ट। अब स्पेंसर को लगता है कि चेस्टिटी का कॉन्सेप्ट देके उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, लेकिन आज के टाइम में ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं माना जाता।
लेकिन स्पेंसर को बहुत दोष नहीं दे सकते क्योंकि उस जमाने के हिसाब से एक्चुअली ही वो सेइंग राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये उम्मीद करो कि 500 साल पहले उसने एकदम से तरक्की कर ली, है ना, सारे कॉन्सेप्ट उसी वक्त आ गए, फेमिनिज्म का तो नाम निशान नहीं था उस वक्त, तो उसके टाइम के हिसाब से आप माफ कर सकते हो स्पेंसर को, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से दिस कॉन्सेप्ट इज आउट ऑफ, कहते हैं कि आउटडेटेड है। इसको embodied मतलब इसको represent कौन करता है, लेडी ब्रिटोमार्ट को याद रखना है, ये एक लेडी वॉरियर है, एक तो वॉरियर ऊपर से इसको खास तौर पे दिखाया गया है कि ये किसी भी चीज नॉट इजीली अट्रैक्टेड और फैसिनेटेड बाय एनी मैन, किसी भी दूसरे आदमी से ये अट्रैक्ट नहीं होती है, अपने आप को बचा के रखती है। बुक इवेंट्स जो इवेंट्स है, जो स्टोरी टू में शुरू हुई है वही स्टोरी आगे चलती रहती है, ये एक ही स्टोरी है ले दे के। ग्योन और आर्थर हमने कहा था कि वो लास्ट में मिले, तो यहां पे मिलते हैं लेडी ब्रिटोमार्ट को। आपने मेन फोकस रखना है लेडी ब्रिटोमार्ट पे, हु विंस अ जॉस्ट विद ग्योन। जॉस्ट एक तरह का मुकाबला है। अब इसका मुकाबला देखिए किसके साथ होता है, ग्योन, ही इज हिमसेल्फ अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन फिर भी ये लेडी होने के बावजूद ब्रिटोमार्ट सर ग्योन को हरा देती है मुकाबले में, तो बाद में वो अलग अलग हो जाते हैं। अब फोकस कहां आता है कि ब्रिटोमार्ट मिलती है रेड क्रॉस को इसी स्टोरी में, और वो बताती है कि असल में शी इज लुकिंग फॉर अ मैन, अ वॉरियर, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आगे आएगा, वो कहती है कि मैं आई एम डेस्टाइंड टू बी मैरिड विद हिम, मैं एक वॉरियर की तलाश में हूं और मेरी किस्मत उससे जुड़ी है क्योंकि मेरी शादी उससे होनी है। अब उस वॉरियर का नाम जान लो, आर्टिगल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हु वॉज द वॉरियर हुम लेडी ब्रिटोमार्ट वॉन्टेड टू मैरी, मैरी करना चाहती, उससे शादी करना चाहती थी। तो आर्टिगल वो हीरो है जिसको लेडी ब्रिटोमार्ट ढूंढ रही थी, लुकिंग फॉर इस कैप्चर लेडी एमोरेट। अब इसी के दौरान एक लेडी है एमोरेट, आपने एक पिछले वर्क में, पिछले लेक्चर में एक वर्क था एमोरेटी, उस लेडी का खास जिक्र होता है, इट्स अ इमेजिनरी कैरेक्टर, एमोरेटी की रेफरेंस, वो वही एमोरेटी है जो यहां पर है, ये सेम रेफरेंस है। तो इसी दौरान एमोरेटी जो लेडी है इसको भी बचाया जाता है, एमोरेट को भी। लेडी के बात यह है कि अगर कोई लेडी अनचेस्ट है तो वो बड़ी बहादुर भी है, तो ये बहादुरी किसके थ्रू रिप्रेजेंट की गई है, लेडी ब्रिटोमार्ट के थ्रू। अब विजार्ड, मैंने कहा था कि बूजी रानी नाम की एक विजार्ड है जो आप कह सकते हो कि यूज देयर मैजिक फॉर रॉन्ग डूइंग, किसी गलत पर्पज के लिए अपने जादू को यूज करना। तो लेडी ब्रिटोमार्ट सेव करती है उस चुड़ैल से किसको, एमोरेट को। बुक फोर में अब आती है, बुक फोर कौन से एटीट्यूड को या कौन से वर्चू को रिप्रेजेंट करती है, फ्रेंडशिप को। देखो भी फ्रेंडशिप एक बड़ी ही कॉमन चीज है, लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप, दो करेक्टर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रू फ्रेंडशिप को। अब वो दो करेक्टर कौन है ये जान लो, फर्स्ट कैंबल और दूसरे हैं ट्राइमन। ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि हु वर द टू वॉरियर्स और द फ्रेंड्स हु एक्चुअली वर रिप्रेजेंटिंग फ्रेंडशिप, तो आपको यह आना चाहिए कि कैंबल और ट्राइमंड। अब इनकी स्टोरी बड़ी सिंपल है कि दोस्ती निभाने के लिए यह तो आपको मानना पड़ेगा कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्रीफाइस, तो ये एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं कई तरह के, और जिससे प्रूव होता है कि दे आर एक्चुअली ट्रू फ्रेंड्स। अब ये टूर्नामेंट में भी कॉम्पीट करते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, लेकिन इट डजंट मेक देयर फ्रेंडशिप वीक, इनकी दोस्ती कमजोर नहीं होती है। बुक फोर की स्टोरीज आगे फिफ्थ तक या तीसरी बुक की स्टोरीज फोर्थ तक कंटिन्यू होती है, ये आपको जानना होगा कि ले दे के ये सारी एक ही स्टोरी है, बुक वन टू थ्री फोर में चाहे आई हो, एक घटना जो तीसरी में शुरू होती है वो चौथी तक चलती है। अब आते हैं बुक फाइव पे, बुक फाइव है आर्टिगल की। आर्टिगल आपको याद होगा, आर्टिगल वो वॉरियर है फॉर हुम एक्चुअली लेडी ब्रिटोमार्ट वाज लुकिंग टू मैरी, लेडी ब्रिटोमार्ट इसे शादी करना चाहती है आर्टिगल से। अब जस्टिस होता है न्याय आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट कौन करता है, कह सकते हो नहीं कि श्योर है लगभग। आर्टिगल जस्टिस होता है कि जो सही और गलत में फर्क करके सही का साथ दे और जिसके साथ गलत हो रहा है उसकी हेल्प करे, है ना, उसको कहते हैं न्याय करना। तो ये न्याय कौन करता है, जस्टिस कौन करता है, सर आर्टिगल, वॉरियर आर्टिगल विद हिज इन्फोर्सर टेलस।
अब ये एक जाते हैं अपने दोस्त टेलर्स के साथ, एक जर्नी पे जाते हैं, मिशन पे जाते हैं। अब मिशन क्या है? टू फ्री द प्रिंसेस इरीना, एक इरीना नाम की प्रिंसेस है। जब भी ये स्टोरी ऐसी बताई जाती है, एक्चुअली जो वल्नरेबल करेक्टर होते हैं, जो कमजोर करेक्टर होते हैं, वो होती है लेडीज हमेशा। तो हीरो किसको बचाएगा? हमेशा हीरोइन को। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, अगर सोचोगे तो। लेडी ये इरीना है, प्रिंसेस है, उसका किंगडम जो है वो भी खतरे में है। और ये खतरा किससे है? जायंट ग्रैंड टोर्टो। जब जायंट नाम आता है तो किसी मान सकते हो किसी तरह का एक कोई जानवर होगा, बड़ा करेक्टर होगा, जो साइज में बहुत बड़ा होगा। एंड ही वुड बी अ काइंड ऑफ डेंजर टू ह्यूमन काइंड, इंसानियत के लिए खतरा होगा। तो ऐसे ड्रैगन्स, ऐसे जायंट्स बार बार दिखाए जाएंगे, जिसके कारण एक्चुअली द हीरोइन इज इन डेंजर। उसको बचाता कौन है? आर्टिगल ग्रैंड टोर्टो से बचाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर्टिगल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वर्च्यू ऑफ जस्टिस, न्याय के वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। और आखिर में बचा लेता है इरीना नाम की प्रिंसेस को। अब बुक सिक्स्थ देखो। बुक सिक्स्थ में एक बहुत ही फेमस नाइट है जो बहुत ब्रेव है, जिनका नाम है कॉलिडोर। कॉलिडोर हु रिप्रेजेंट वर्च्यू ऑफ कर्टसी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कर्टसी। कर्टसी आप मान सकते हो कि एक तरह की उदारता जिसे कहते हैं, हम्बलनेस कहते हैं, जिसको ईगो नहीं है। अ मैन विद हम्बल कैरेक्टर, जिसको ईगो नहीं है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? सर कॉलिडोर। कॉलिडोर इज ऑन अ मिशन टू कैप्चर द ब्लैटेंट बीस्ट। ब्लैटेंट बीस्ट हो, बीस्ट भी वही है। बीस्ट इज समवन हु इज वेरी डेंजरस एंड वेरी बिग इन, वेरी जायंट इन साइज, जो साइज में बहुत बड़ा है और दूसरों के लिए खतरा है। तो ये ऑन ए मिशन टू कैप्चर, इस बीस्ट को पकड़ना है जो बाकियों के लिए खतरा है। तो ये काम कौन करेगा? हीरो। हीरो कौन है? कॉलिडोर। अ लाउड मॉन्स्टर। अब ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, बीस्ट, जायंट, ये लगभग एक ही कैटेगरी के वर्ड है। रिप्रेजेंटिंग सिलेंडर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट, ही सबड्यू द ब्लैटेंट। सबड्यू होता है किसी के ऊपर भारी पड़ जाना, किसी को अपने अंडर में ले आना। तो ये किसको हराता है? ब्लैटेंट बीस्ट। लेटर हाउ एवर द बीस्ट एस्केप्स एंड रोम्स द वर्ल्ड। आखिर में होता यह है कि जो कॉरिडोर है, ही इज एबल टू कैप्चर दैट बीस्ट। पर क्या होता है कि जो बीस्ट होता है वो छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन वो इतना पावर में नहीं रहता, दुनिया में भटकता रहता है। आखिर में ले दे के ये कह सकते हो कि कॉरिडोर जो है वो जीत जाते हैं। अब इसके मेन करेक्टर जानना जरूरी है, उनके ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट उनके वर्च्यूज है, उतने ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली करेक्टर्स हैं। क्वेश्चन आते हैं यहां से। अब इंपॉर्टेंट करेक्टर जानो, रेड क्रॉस नाइट। असल में ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि कई वर्क्स एलिगोरिकल होते हैं। एलिगोरिकल का मीनिंग ये होता है कि असल में एक स्टोरी में करेक्टर दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मान लो कोई पॉलिटिशियन है, बहुत करप्ट है, उसके ऊपर मूवी बनी, तो सीधा पॉलिटिशियन का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिकली वेरी पावरफुल एंड दे कैन एक्चुअली डैमेज यू, वो आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर बुक्स लिखते हैं, उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं। पॉलिटिशियन का नाम होगा ए और बुक में उसका नाम रखेंगे बी, क्योंकि वो लीगली ना तो चैलेंज कर सकता है। लेकिन हमको पता है ना, हम इस पॉलिटिशियन को एक को जानते हैं, जब ये फिल्म देखेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, हमको पता है कि ये बात एक ही हो रही है। जब आप फेरी क्वीन पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि रेड क्रॉस जो है असल में वो सिडनी है, ये सिडनी की बात हो रही है, सिडनी का करेक्टर जो है वो रेड क्रॉस जैसा है। तो रेड क्रॉस रिप्रेजेंट करता है सिडनी को, और वर्च्यू में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉलीनेस को। द सेकेंड करेक्टर इज लेडी उना। अब ये हीरोइन है रेड नाइट की। अब ये रिप्रेजेंट करती है ट्रुथ और ब्यूटी को। हीरोइन है, अच्छी है, तो सच्ची भी होगी, ट्रुथ भी होगी, लेकिन और रिप्रेजेंट करती है ब्यूटी को। अगेन जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो फिर से लेडी के साथ जुड़ा है, ना कि आदमी के साथ। अब बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और हैं। पेरेंट्स ऑफ उना, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत को। जो इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है, यू नीड टू बी श्योर दैट दे आर एक्चुअली गुड पीपल। इंसानियत को रिप्रेजेंट करता है, अच्छे लोग तो होंगे ही। तीसरा है डूसा, ये है विलेन। विलेन किनके बीच में आती है? इनकी लव स्टोरी के बीच में, जो इनको तोड़ने का काम करती है वो है डूसा। फॉल्सहुड, गलत को रिप्रेजेंट करती है।
पाप को रिप्रेजेंट करती है, या कह सकते हो कि सिन, सिन पाप को रिप्रेजेंट करती है डुइसा। मैंने कहा था कि कैसे दिस लेडी इज ए विच एंड ट्राई टू एक्चुअली ब्रेक द रिलेशन बिटवीन रेड क्रॉस एंड उना, उनके रिलेशन को कैसे तोड़ने की कोशिश करती है। आर्किमागो, आर्किमागो एक कौन था, विजार्ड। विजार्ड इज समवन हू एक्चुअली ट्राई टू डैमेज पीपल, ट्राई टू हार्म पीपल विद हिज मैजिक, जो अपने मैजिक को गलत तरीके से यूज करते हैं। हिपोक्रेसी क्या है, जिसे आम भाषा में यूज है दोगलापन, जिसका असल में स्टैंड नहीं होता, वो हिपोक्रेट होता है, जो एक बात इधर की करेगा दूसरी बात इधर की करेगा, अपना कोई स्टैंड होता नहीं है। तो बिना स्टैंड का कोई व्यक्ति जो है वो है आर्किमागो। और गोजलियो, पेपल पावर, पेपल पावर हो सकती है ये जो चर्च वगैरह की पावर है, ये करप्ट हो चुकी है। तो असल में एलिग्री में चर्च की करप्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, और गोजलियो, देखो प्राइड को यहां पे पाप माना गया है। आज के टाइम में देखोगे तो प्राइड को माना जाता है अच्छी चीज, कहते हैं ना कि मैं प्राउड हूं इस चीज में, मैं प्राउड हूं इस चीज में। हालांकि आप कह सकते हो कि प्राइड जो है, या प्राउड जिसे कहते हैं, इट इज ए स्मॉल वर्जन, मिनी वर्जन ऑफ ईगो, ईगो का ही एक छोटा वर्जन है। बहुत जो समझदार व्यक्ति हैं वो प्राउड की कभी बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं। और कोई साधु महात्मा है तो वो तो प्राइड को भी पाप मानते हैं। तो स्पेंसर के टाइम में लोगों को इतनी समझ थी कि अगर आपको प्राइड भी होता है ना, तो प्राइड बढ़ते बढ़ते कब ईगो बन जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो और गोजलियो जो है, कहता है ना कि आम भाषा में मुझे मान है या मुझे मान है ना, तो उसको भी गलत माना गया है कि आपको हम्बल रहना चाहिए। भले ही आपके पास अमीरी है, भले ही आपके पास एक बड़ी पोजीशन है, आपको प्राउड भी नहीं करना है, बस ये कहना है कि जस्ट आई एम हैप्पी विद इट, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कंडीशन। तो प्राइड को कौन रिप्रेजेंट करता है, और गोजलियो। फिर आता है हीरो आर्थर, मैग्निफिसेंस का हिंदी वर्ड आप कह सकते हो। सनी देओल की एक मूवी देखी होगी घातक, और घातक को रिप्रेजेंट करता है खुद सनी देओल, उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंस, प्रचंडता, कि किसी भी चीज का बहुत उग्र रूप अच्छे तरीके से, है ना। कोई वॉरियर होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बहुत बहादुर हैं, देखने में भी लंबे चौड़े हैं, और उनकी दहशत इतनी है कि बुरे लोग उससे डरते हैं। मोस्ट ऑफ द रॉन्ग डूइंग पीपल, सिनफुल पीपल एक्चुअली अफ्रेड ऑफ हिम। तो इसे कहते हैं मैग्निफिसेंस, अच्छे तरीके से दहशत को जो कहते हैं ना दबंग टाइप, वो मैग्निफिसेंस होती है लगभग। उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, आर्थर। ही सच ए गुड मैन एंड ही सो ब्रेव दैट रॉन्ग सिनफुल पीपल एक्चुअली अफ्रेड ऑफ हिम। सर ग्योन, अब जान लो कि सर ग्योन कौन है। सर ग्योन की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, बस आपको यह जरूरी याद रखना है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू ही इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग, कौन से वर्च्यू को वो रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेंस, टेम्परेंस होता है, कहता है ना कि ठंडे स्वभाव का व्यक्ति, जो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आराम से सोचते हैं, आप पे अपना आपा कभी नहीं खोते, गुस्से में आके कुछ नहीं कहते, हमेशा समझदारी की बात करते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं। टेम्परेंस वाले वो व्यक्ति हैं जिनको कुछ दुख की बात कह दो तो वो बस थोड़ा सा उदास होंगे, बस उनको बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दो तो ऐसा नहीं कि उछल पड़ेंगे, वो बस हल्का सा मुस्कुराएंगे, कहते बस ठीक है। हमारा तो टेट भी हो जाए तो हम 10 जगह बोल के आते हैं, बड़ी पार्टी कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप में टेम्परेंस है नहीं। अगर आपको यह बोल दिया जाए कि टेट मेरा फेल हो गया है और आप रोने लगो तो भी आप में टेम्परेंस है नहीं। दोनों कंडीशन में कुछ हद तक एक जैसा रहना, दैट इज कॉल्ड टेम्परेंस, कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते, आप कंट्रोल में रहते हो समझदार व्यक्ति की तरह। लेडी ब्रिटोमार्ट चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है, जो बड़ी ब्रेव है, शी इज ऑल्सो अ नाइट। चेस्टिटी आपको बताया था कि प्योर होना, जो वर्जन है इंग्लिश के हिसाब से वो प्योर है, जिसका रिलेशन रहा है, इफ शी समवन हैज बीन इन्वॉल्वड विद द मैन सेक्सुअली तो वो चेस्ट नहीं है। तो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करती है लेडी ब्रिटोमार्ट। सर कैंबल एंड ट्राइमंड ये रिप्रेजेंट करते हैं, बुक थ्री में आते हैं, फ्रेंडशिप को, दोस्ती, फ्रेंडशिप को। अब दोस्ती को कोई रिप्रेजेंट करता है तो ये दो करेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखता है कि ये आते कहां पे है, कौन से बुक में आते हैं। फोर्थ बुक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है सर आर्टिगल। सर आर्टिगल इज द वॉरियर हुम एक्चुअली लेडी ब्रिटोमार्ट लव्स। लेडी ब्रिटोमार्ट अगर किसी को लव करती है तो वो है सर आर्टिगल। अब ये रिप्रेजेंट करते हैं जस्टिस को। ये दोबारा इसलिए करवा रहे हैं कि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन आते हैं। सर कॉरिडोर, अब ये समझ लो, सर कॉरिडोर रिप्रेजेंट करते हैं
कर्टसी को, कर्टसी आप मान लो कि बीइंग हम्बल, जिसको ईगो नहीं है, जो सही और गलत में फर्क करके जो झुकना जानता है, जो अहंकार से कहते ना कि ईगो ड्रिवन नहीं है, एरोगेंस ड्रिवन नहीं है, तो हम्बलनेस को कौन रिप्रेजेंट करता है? सर पॉलिडोर सेवंथ बुक में। अब इसलिए सेवंथ बुक में करेक्टर कौन है ज्यादातर डिस्कशन हुई नहीं है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू वी सी देयर, यहां पे कौन सा वर्च्यू मिलता है, तो वो है कॉन्स्टेंसी। आपको यह याद रखना है, इफ यू आस्क दे आस्क यू द क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन द सेवंथ बुक, तो आपको बताना है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी क्या है? डिवोशन, 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 आप इसको डेडिकेशन कह सकते हो, डिवोशन किसी तरह की भक्ति भाव वाला एक जो इमोशन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप किसी के डिवोटी, आप किसी के भक्त हो, किसी के प्रति बहुत डेडिकेटेड हो, चाहे वो स्टडी ही है, है ना, कहता है कि मेरे डिवोशन स्टडी की तरफ है, तो उसकी तरह, उस तरह की जो इमोशन है उसको कहते हैं डिवोशन, समर्पित होना आम भाषा में। कॉलिन क्लाउड, दिस कैरेक्टर इज इमेजिनरी बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलिन क्लाउड इज सच ए कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट स्पेंसर हिमसेल्फ। कॉलिन क्लाउड असल में स्पेंसर खुद है। अगर ये पूछ ले कि चार कैरेक्टर दे दिए, है ना, कि एलगोरिकल वे में असल में स्पेंसर खुद को किस कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है, या कॉलिन क्लाउड असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने ये याद रखना है कि कॉलिन क्लाउड इज स्पेंसर हिमसेल्फ। अब आपको बता देते हैं पेड कोर्स के बारे में, क्योंकि हम फिर से बात करेंगे, क्योंकि टेट हो गया है, लोगों को पता लग गया है कि आगे पेड कोर्स लेने हैं कि नहीं। तो फीचर्स कुछ है पेड कोर्स की, वो है लाइव क्लासेस जो आप देख रहे हैं, इसी तरह की क्लासेस लाइव होंगी पेड बेच में, और आपके डाउट साथ के साथ लिए जाएंगे, और डाउट को क्लियर करने के लिए सेशंस होंगे। पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो यहां पे पढ़ाएंगे अगर किसी क्लास मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड भी सुन भी सकता है, और लिखे हुए भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बच्चों को अपडेट रखने के लिए, वो याद कर रहे हैं कि नहीं, उनके फायदे के लिए टेस्ट बड़े जरूरी है, तो इनका भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि टेस्ट सीरीज को भी चलाया जाए। रीजनेबल फीस, देखो फीस देने वाला, तैयारी करने वाला, उसकी कंडीशन समझना, ये सबका धर्म है, तो ये काम हम भी करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे नंबर पे पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए उस पर कॉल कर सकता है, और फीस की बात वहां पे कर सकता है। देखो ये पिछला लेक्चर है, ये पिछले नोट्स है, ये हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। एडमंड स्पेंसर, देखो एक तो स्पेंसर की जो स्पेलिंग है कई जगह पे जैसे एस माना जाता है, यहाँ पे एस भी दिया होता है, लेकिन हिस्टोरिकल बुक्स जो है वहां पे कई बार डाउट देखने को मिलता है, सी भी होता है और एस भी होता है, लेकिन आप एस भी मान लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विकिपीडिया पे ये दिया है 1552 में। ये टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पोएट्स पोएट, बाकी वैसे तो हमने सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन पोएट्स पोएट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल गिवन बाय चार्ल्स लैम, क्योंकि इसने दिया है। चार्ल्स लैम इज ए बिग फिगर इन लिटरेचर, तो ये जो भी कहता है वो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। तो पोएट्स पोएट किसने कहा याद रखना है, किसको कहा है ये भी याद रखना है, स्पेंसर इज अ मिस्ट्रेस, ये डायलॉग याद रखना है, अलेक्जेंडर पोप ने ये बोला है। सबसे पहले आपने सीडोनेम नहीं भूलना है, ये अक्सर पूछा जाता है, किसने अपना एक सिंपल लैंग्वेज में वो कौन सा नकली नाम था जिसने यूज किया, तो वो है एमेरिटो, डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी इसका बेस्ट फ्रेंड था, इसको डेडिकेट किया है। ये करेक्टर देखो कॉलिन क्लाउड फिर से आ गया, ये भी याद रखना है कि ये खुद है। कंप्लेंट्स एक कलेक्शन है 9 पोइम्स की, इन पे बस नजर मारनी है, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको याद रखना है कंप्लेंट्स आया कब 1591 में, इसकी जो पब्लिकेशन डेट है इसकी भी फेरी क्वीन की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन डेट मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन एग्जाम। एमोरेटी, यही रेफरेंस मैंने कहा था कि एमोरेट नाम से जिसको लेडी ब्रिटोमार्ट सेव करती है, ये वही लेडी है, और यहां पे इसका नाम है एमोरेटी, तो ये नहीं भूलना है। डेडिकेटेड अपनी वाइफ को, इसकी वाइफ का नाम याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज लिटरेचर रिटन बाय हिम एक्चुअली रिलेटेड टू हिज और इंस्पायर्ड बाय हिज वाइफ एलिजाबेथ बॉय। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब जो नया लेक्चर आएगा वो किसी और राइटर पे आएगा, खास तौर पे लगभग होगा क्रिस्टोफर मार्लो पे, तो इसका रिव्यू ले सकते हैं। और यहां पे जो पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो खास तौर पे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राइटर असल में बहुत बड़े होते हैं, लिटरेचर की कोई लिमिट नहीं होती है। ये खास ध्यान रखा जाएगा पेड बेच में कि आपको ज्यादा बर्डन ना दिया जाए, पिछले जो एग्जाम है
और लिटरेरी मूवमेंट के हिसाब से, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए पहले स्टडी करना पड़ता है, कौन से वो वर्क हैं जो लिटरेचर में चेंज लेके आए हैं, असल में वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो देखे जाएंगे और पिछले एग्जाम है उनको एनालिसिस करने के बाद व्हाट कम्स आउट वो देखा जाएगा कि कौन से वर्क इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। नमस्ते, बाय बाय, राम राम।